हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सिमरा सिफत, वेलकम टू माय चैनल सिमराज वर्ल्ड। तो आज मैं जा रही थी ऐसे ही वॉक के लिए थोड़ा सा शाम के टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ मैं व्लॉग भी शूट करती जाऊँ और आप लोगों को भी अपने साथ जो है ना वो लेकर चलूँ। और गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो आज मैं थोड़ा सा कम बोलूँगी, बट ओके। यहाँ पर मैं जाऊँगी और यहाँ से एक जो है ना आई थिंक मैंगोज़ गार्डन आता है वहाँ पर, बहुत बड़ा है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा मुझे काम भी था तो मैंने कहा रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाती जो मुझे। तो ये पीछे से है ना बैक पे काफ़ी फील्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर देखेंगे किस चीज़ की फील्ड हैं। आई थिंक ये क्या है, तूरी, तूरी की तरह जो एक और वेजिटेबल होती है ना, जैसे यहाँ पर देखेंगे कितनी आई थिंक ये तूरी जैसे होती है ना, स्पॉन्ज गार्ड जिसे लूफा कहते हैं इंग्लिश में हम, ये वही लग रही है। हाँ जी वही ही है, ये वही है एग्जैक्टली। यहाँ पर ये कुछ फील्ड वर्कर्स काम भी कर रहे हैं, तो ये तूरी की। और यहाँ पर चलेंगे जो काम कर रहे हैं हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। ये आपकी फील्ड है सारी? अच्छा, तो ये किस टाइम होती है, मतलब ये कौन सा इसका सीज़न होता है? अब चालू है इसका सीज़न। अच्छा, और कब तक रहती है ये? ये तकरीबन 5 महीने। 5 महीने तक। और जो वो ककड़ी होती है दूसरी वाली, वो भी यही होती है या वो और होती है? वो दूसरी है, वो देसी होता है, ये जिया तुरी है, हाइब्रिड। हाइब्रिड, अच्छा। तो कैसे मतलब इसको करते हैं हाइब्रिड जो है, कैसे मतलब उगाते हैं, क्या तरीका है उसका? इसका तरीका ये है कि खेले निकाल लग अलग लगा देते हैं बस। अच्छा, तो बीज होता है इसका? हाँ जी। ठीक है, सही है, चलें ठीक है, शुक्रिया आपका। और लेट्स अगेन स्टार्ट। और यहाँ ये देखें सारे, और ये ब्रिंजल्स का फील्ड है, यहाँ पर सारे ब्रिंजल्स हैं। अगर आपको छोटा सा नज़र आए तो मैं आपको कैप्चर करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये छोटा सा एक ब्रिंजल है यहाँ पर नज़र आ रहा है। ब्रिंजल फील्ड। ये देखें, यहाँ पर मैं क्लोजली आ गई हूँ और ये रहा ब्रिंजल, और पीछे भी और बहुत सारे ब्रिंजल हैं। और ये रहा एक क्यूट सा, एंड लुक व्यूअर्स, हेयर आर चेरीज। और ये कुछ ही अर्से में मैंगोज बन जाएंगे। यहाँ पर कोई है नहीं, वरना हम उनसे पूछते कि ये कौन सा है, कि ये कौन सी मैंगो का टाइप है, बट अभी फ़िलहाल तो ये चेरीज है। सारी पीछे जो है ना चेरीज है। ये देखिए यहाँ पर है एक और, ये देखिए, ये तो फूल मेरा ख्याल है राइप भी होने वाला है। ये कितना, ये देखिए कितनी ऊंचाई पे है, कितना बड़ा है, लेकिन माशाल्लाह प्यारा है। ये पीछे सारा फील्ड जो है ना इसी का है, मैंगो गार्डन, चेरीज हैं, अभी तो चेरी सीजन है। और यहाँ से चलते चलते देखे किसी काम की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में इतनी ज़्यादा काम की चीज़ें मिल गई। ये देखिए सारे क्रोज बैठे हैं। एंड व्यूअर्स, इट्स अ टमाटो फील्ड, छोटे छोटे से टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। वैसे इस तरह की छोटी छोटी सब्ज़ियाँ हर किसी को अपने घर में लगानी चाहिए। लेकिन ये सारे कैसे टमाटर सारे। और ये देखिए व्यूअर्स, ये वहाँ से उसी फील्ड से हम लोगों ने जो है लिए,
जिस फील्ड्स में हम लोग गए थे, जो बीटो गार्ड है और ये जो चिलीज़ हैं इनकी जो फील्ड थी वो काफ़ी थोड़ी सी दूर थी, मतलब वो आगे जा के थी, वहाँ पर मैं गई नहीं, तो वहाँ से उनके जो वर्कर्स थे वो लेकर आए हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश है, देखें टोमेटोज वगैरह थोड़े से रोटन टोमेटोज थे और जो बिल्कुल अच्छे थे वो उन्होंने हमें जो है वो कर दिए। और ये करेले वगैरह और ये सब कुछ लेकर आए। देखिए कितनी प्यारी चिलीज़ हैं, फ्रेश। और ये रहा फ्रेश बीटर गार्ड, जिसे कहते हैं कड़वा करेला। कड़वा होता है ये, लेकिन बहुत अच्छा बनता है, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा इसको अगर आप नमक और साल्ट वगैरह लगा के रखते हैं ना धूप में, तो फिर इसकी कड़वाहट वगैरह चली जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है। ये देखो ये जो करेले हमने लिए थे वो अब हम इसकी जो है ना सब्ज़ी बना रहे हैं, सालन। पहले इसको पील ऑफ करना है, उसके बाद इसके हम सीड्स वगैरह अंदर से निकालेंगे। ये देखिए ये देखें जो बीटर गार्ड है करेला, इसके बहुत सारे जो है ना बेनिफिट्स हैं। सबसे अच्छा तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए उनको ये बहुत खाना चाहिए। और इसका जो है ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, अगर इसका ना करेलों का जूस पिया जाए, करेले का। कड़वा होता है काफ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत इसका जो है ना बेनिफिट है। और ये हर उसमें अच्छा बनता है, कीमा में या मटन में या चिकन में, बट हमारे घर में वैसे ही इस वेजिटेबल को बहुत लाइक किया जाता है, तो ये खाली भी अच्छे से बन जाता है और हम लोग खाली भी इसको खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कीमा मटन या चिकन जो है ना वो लाजमी हो, बीफ वगैरह कुछ भी। तो अभी मैं जो है फ्रेश बिल्कुल जो हमने इसको किया है, तो मैं ये फ्रेश बिल्कुल बनाऊँगी, इसको अगेन ऐसे खाली फ्राई करूँगी और बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। जो रेसिपी जो है मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। सो ये करेले यहाँ पर मैंने सारे जो है, बल्कि बाबा ने मेरी हेल्प की है, बाबा ने इसको काटा तो काट लिए। और चूँकि इट्स इवनिंग टाइम, तो इसको मैंने जो है ना धूप में तो नहीं रख सकी, तो इसको मैंने अच्छे से साल्ट वगैरह लगा के धो लिया, ताकि इसकी जो बिटरनेस है, जो इसकी कड़वाहट है, वो जो है ना इसकी ख़त्म हो जाए। तो वो तो इसकी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर ना हम थोड़ी सी चीनी ऐड कर देते हैं, शुगर, लिटल बिट। तो हम फ्राई कर लेंगे, कढ़ाई में डाल देते हैं, तो देखते हैं अच्छे से ये सारा फ्राई कर लें। मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आई एम मेकिंग इट अगेन। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे बन के सब्सक्राइबर्स किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं, अल्लाह पाक आप लोगों के, आप सबको खुश रखे, आप लोगों के भी मुझसे बच्चे करे, खुश रहें आप लोग, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटे और सब कुछ। थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ पर फ्रेश टोमेटो जो मैं लेकर आई थी, ये भी वही है, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए बीटर गार्ड की ये सिचुएशन, इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है। और ये कट हो गए हैं। टोमेटोज के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मुझे तो टोमेटोज बहुत पसंद है। ये देखिए यहाँ पर इनकी ये सिचुएशन गलत, मुझे थोड़ा सा पानी तो पिलाएं, थोड़ा सा देना, वही डिस्पेंसर पे देखें ना, ग्लास में डिस्पेंसर पे होगा, मिक्स करना उसके अंदर।
और अनियंस भी मैंने चॉप कर लिए थे, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। थैंक यू सनस, थैंक यू सो मच। आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ करेला, कड़वा करेला। पसंद है आपको? हाँ है। कितना पसंद है? बहुत सारा। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए इसके अंदर हमने अनियंस भी डाल दिए हैं, तो ये अनियंस थोड़े से हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर हम टोमेटोज डालेंगे, और जब थोड़े से टोमेटोज भी हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम बाकी इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, या वो आप अभी चाहें तो अभी भी डाल सकती हैं जैसे आपको सूटेबल है। ये देखिए इसके अंदर मैंने जो है साल्ट डाल दी, और इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, जो इसके अंदर रेड पेपर है, रेड चिली से वो मैं इसके अंदर थोड़ी सी डालूंगी। इसके अंदर मैं ग्रीन चिली ज़्यादा डालूंगी क्योंकि रेड पेपर जो है वो इतनी अच्छी भी नहीं होती और इतनी बेनिफिशियल भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर बाकी इन्ग्रीडियंट्स डाल दिए हैं, जिसमें टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूँगी टमाटो, थोड़े से नहीं बल्कि जितने हमने काटे थे, 2 लार्ज टमाटोज लिए थे हमने। नाउ मिक्स इट वेल, और इसके अंदर अब हम डालेंगे शुगर, थोड़ी सी डालेंगे, इसको मिक्स कर दें। इतनी ज़्यादा आपने शुगर नहीं डाली, नहीं तो सारे केलों का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। लिटिल बिट शुगर डालें क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हम अनियन और टमाटोज डाले हैं, जिससे जो इसकी बिटरनेस है वो चली जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक फोक लिया है, जिससे मैं थोड़ा सा जो है ना टेस्ट कर लेती हूँ करेले को। इट्स यम्मी। बस थोड़ा सा इसको और देर है, उसके बाद ये रेडी हो चुका है, फिर हम इसको उतार लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। ओ व्यूअर्स, दिस यम्मी कड़वा करेला इज रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू और सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।